पहली गल मैं करांगा जिहड़े बंदे दा जिहड़ा महकमा ना ना होवे उहनूं उहदे च लत नहीं अड़ाउणी चाहीदी। असूल है या नहीं? बस जिहड़े बंदे दा जिहड़ा महकमा नहीं उहदे च लत अड़ा के बहि जावे फायदा कोई? बस मैनू जो नहीं पता भी सिराबड़ी किहड़े मौसम च लगदी है, मैनू नहीं पता निब्बू किहड़े मौसम च लगदे ने, मैनू नहीं पता कि अमरूद किहड़े मौसम च लगदे ने, मैनू नहीं पता कि मूंजी किहड़े मौसम च लगदी, मैं एवें जनाब जिमीदारां दे नाल पंगा पा के बह रहा। उन्होंने आखना भाई तेनू पता है कोई पढ़िया ही कोई सिखिया ही जिमीदारा किसी को? मैं कहना नहीं। तो आखना चुप करके बहो फिर तेरे करने वाली गल है क्यों जी? मैं डॉक्टरी नहीं पढ़ी, मैनू नहीं पता कि MBBS की होंदा है, डॉक्टर की होंदा है, डॉक्टरी दे इलम की है। मैं मैडिकल साइंस नहीं पढ़ी तो मैं किसी डॉक्टर नाल पंगा पा के बह जावा कि तुसी ये जेड़ा हार्ट का ऑपरेशन करते हो ना है ये ठीक नहीं जे करते। उन्हें आखना तेनू ये पता है भी ये होंदा किवें? को पढ़िया है ही तेनू पता बंदा बेहोश किवें करीदा ते कदों करीदा ते किहड़े मौके ते इहदा ऑपरेशन करना हुंदा ते किहड़े मौके ते मैडिसन चल जांदी तेनू को पता है? मैं कहिंदा नहीं, मैं पढ़िया कोई नहीं, पर तुसी चंगा नहीं जे करदे ये गल ठीक। उन्हां नाल चुप कर मूँह बंद कर, तेरा महकमा ही नहीं हैगा ते तेनू बोलण की इजाजत नहीं। एक दीन वाला महकमा मैं समझना एडा मजलूम महकमा भी जिहड़ा बंदा वेला हो जाता ना अपने कामां करां तो वह फिर दीन दे विच लत अड़ा के बह जाता और फिर तबसरा करेगा नहीं ये जिवें इहने तलाक दित्ती है तो गुस्से ही सी ना, ये तो हुंदी ही नहीं। चल तो वह जिहड़े 10-10 साल इलम जिन्हां ने पढ़े तो मारा खादियां उस्तादां दियां ते सफ़र किए कुरान भी पढ़िया हदीसां भी पढ़िया उन्हां नूं फिर छुट्टी दे दईए और फिर घर बहन जाके वेले हो जाण, फिर वह चुप कर जाण, फिर तुसीं कर लो दीन बयान। फिर जनाब दीन दे उत्ते एडे एडे तबसरे करनगे, फिर उलमा की गल सुननी भी गवारा नहीं करनगे। हाँ एक बेली पे आके देखो ये आते ने नबी पाक नूर ने, मैं क्या फिर तो उन्हें क्या अल्लाह ने तो कुरान च फरमा दिता सुबहानअल्लाह जी असरा ब्याबदही पाक है उजाद जिसने सैर कराई अपने बंदे नूं, तो जो अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी मेरा बंदा है तो तुम नूर किवें आंदे हो? मैं क्या गल की ना चस आ गई वेखा पता लगता है पा भी तू वाह वाह इलम पढ़ के आया। अगले दिन एक बेली आया मेरे को मैंने दस्यो तू आंदा है वो ना मैं आप स्कूल कट्ठे पढ़ते रहे किड़े दौरे च वो कितने उन्हें याद कराया बहरहाल मेरी समझ गल ना आई लेकिन मैं क्या चलो आओ बिस्मिल्ला चाह पानी पियाया। वो मैनू कहंदा है जी इस आयत का की मतलब है? सानू अज तक साढ़े जेडे जाकर ने आलम वो ये दस दिया ने कि ला यस्तवी असाबुल नार व असाबुल जन्ना कि नहीं बराबर, ला यस्तवी नहीं बराबर असाबुल नार व असाब असाबुल नार का मतलब उन्हें नाउज़ु बिल्लाह तर्जमा किया कि जेडे दोज़ख वाले साबी ने असाबुल जन्ना जेडे जन्नत वाले साबी ने ये दोवें बराबर नहीं थे। इहदा मतलब है कोई साबी दोज़ख जाणगे कोई जन्नत जाणगे। मैं क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये तर्जमा तैनू किन्ने करके दस दिता? उन्हें आ गया सानू तो अज तक यही दसते रहने। मैं क्या फिर गुमराई इंज ही फैलती है? वो एक मुबतदी तालिब इलम नूं पुछो कहेगा कि अल्लाह ने पिछे तज़किरा आ रहा मुसलमाना दा ते काफरां दा ते अल्लाह ने फरमाया कि दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं है। असाब साहिब की जमा साहिब बमाना वाला है। दुनिया का मैं क्या कोई बंदा किसी मसलक का तर्जमा उठा के देख लो किसी ने भी इंदा दोज़ख वाले साबी तो जन्नत वाले साबी किया ही नहीं तो ना ही ये है। काफरां ते मुसलमानां दा पिछों जिक्र आ रहा और अल्लाह ने फरमाया जिहड़े दोज़ख चले गए वह तो जिहड़े जन्नत च गए वह बराबर है। दोज़ख वाले जिहड़े ने काफर ने जन्नत वाले जिहड़े ने मुसलमान ने गल खत्म हुई वह सिर फड़ के बह गया। मैनू आंदा है अज तक असं इंजी सुन दिया। मैं क्या बहुत गलत तुहानू किसे सुनाया है? चल जे मैं क्या तू क्लास फैलो सां ते आके पुछ ही लवें पुछ। उन्हें आख्या अज मैं पूछ लिया पर मैनू लगता जे मैं दो जुमे तेरे मगर पढ़ लैना तो तू मैनू मुर्तजाई बना देगा। मैं क्या चल मुर्तजाई तू बने ना बने कम अज कम सही हो लकीदा आले सुन्नत बन जाएगा ना आ तेन। मैं क्या कुरान सुनना हो कुरान समझना हो कुरान पढ़ना हो आशकों को सुनो तो आशकों को ही समझो और जेड़े गल करन ते नबी पाक दी मोहब्बत और प्यार महसूस होवे इंदे अंदर है वे हजूर दी मोहब्बत दी खुशबू आ जावे उहदे कोलो कुरान सुनो ते उहदे कोलो ही कुरान समझो उहदे कोलो सुनन दा भी फायदा होएगा उत्थे बहन दा भी सुकून होएगा मज़ा आएगा बहन दा। हाँ जी